अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ ठीक ठाक होंगे। तो मैं आज आपके सामने लेके आई हूँ ब्रेड चीज़ी पैटीज़। तो ये चीज़ जो मैंने रात को बनाई थी, मोज़रेला चीज़ घर में, इसकी मैंने रेसिपी आपसे शेयर की है। साथ मैंने आलू बॉयल कर लिए थे, इनको छील लिया है। और ये मैंने 1 टेबल स्पून जिंजर गार्लिक का पेस्ट लिया है। साथ मैंने 3 सफ़ेद मिर्चें ली हैं और 1 मैंने मीडियम साइज़ की प्याज ली है। इसे हम चॉप कर लेते हैं जी। तो ये मैंने प्याज कटिंग कर ली थी और साथ ही मैंने मिर्चें भी बारीक बारीक काट ली हैं। और अब मैंने एक बाउल ले लिया, इसमें मैं डालूंगी आलू और करती हूँ मैश जी। तो ये मैं आलू को मैश कर रही हूँ। आप इसे हाथ से भी मैश कर सकते हैं और मैशर से भी, हैंड मैशर जो मिलता है उससे भी मैश कर सकते हैं। इसे अच्छी तरह मैं मैश कर लेती हूँ, फिर इसमें मैं बाकी चीज़ें ऐड करती हूँ। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर दें, बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि मेरी हर न्यू आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको आ जाए। तो अब मैं इसे अच्छी तरह मैश कर लेती हूँ, तो मिलती हूँ 2 मिनट के बाद जी। तो ये हमारे आलू मैश हो चुके हैं अच्छी तरह। ये देखें, इस तरह अच्छी तरह आपने मैश कर लेने ताकि इसमें कोई गुठली वगैरह ना रहे, जो आलू की रह जाती है छोटी छोटी। सही तरह पीस लेना आपने आलू को जी। तो ये मैंने एक पैन ले लिया, इसमें हम थोड़ा सा कुकिंग ऑयल डालते हैं, इतना सा, 2 टेबल स्पून है कुकिंग ऑयल। और 1/2 टेबल स्पून इसमें मैं जीरा ऐड कर रही हूँ। और साथ में इसमें जो जिंजर गार्लिक का पेस्ट था, 1 टेबल स्पून वो ऐड कर दिया। इसे हम थोड़ी देर के लिए फ्राई करते हैं। तो अब इसमें जो प्याज जो ऐड किया था वो ऐड कर दिया। प्याज सब्ज़ी लेके 2-3 मिनट वो ऐड कर दिए। इसे थोड़ी देर के लिए फ्राई करते हैं, रोस्ट करेंगे ताकि ये प्याज का कच्चापन खत्म हो जाए। थोड़ी देर के लिए मैं फ्राई कर लूँ। आप भी बना लीजिए, ट्राई किया करें। जो हम आपसे रेसिपी शेयर करते हैं आप भी बनाया करें। हमें आप इस मैं बताया करें कि कैसे बनती है आप लोगों की। अब जो ये मैंने आलू मैश किए थे वो ऐड कर देती हूँ। मैंने आलू मैश कर दी हूँ, जैसे मैंने ऐड की हैं जो आलू मैश किए हुए थे वो ऐड करके इसमें थोड़ी देर के लिए कुक करती हूँ। बाकी स्पाइस में बाद में ऐड करती हूँ। हम इसलिए मतलब बना रहे हैं, कुक कर रहे हैं ताकि इसका कच्चापन, जो प्याज का और जीरे वगैरह का, लहसुन अदरक का पेस्ट होता है, उसका कच्चापन खत्म हो जाए, स्मेल वगैरह खत्म हो जाए। देखें इनकी फाइनल लुक देख लें। अब मैं इसमें स्पाइस ऐड करती हूँ, तो वो मैं आपको दिखाती हूँ। इस तरह आपने बिल्कुल करना है, ऑयल थोड़ा सा बस आपने डालना, ज़्यादा इसमें ऑयल नज़र ना आए। देखें बिल्कुल सही हो गया। ये 1 टेबल स्पून मैंने इसमें रेड चिली पाउडर डाला है और साथ ही मैंने इसमें 1/2 टेबल स्पून हल्दी का पाउडर डाला है। थोड़ा सा मैं और डालती हूँ और 1 टेबल स्पून इसमें मैं नमक ऐड करूँगी और 1 टेबल स्पून इसमें गरम मसाला और धनिया का पाउडर है वो ऐड कर दिया। अब मैं थोड़ी देर के लिए मिक्स करती हूँ। तो ये चुटकी मैंने एक अजवाइन ली है वो ऐड कर दी। इससे खुशबू बहुत अच्छी आती है, जायका बहुत अच्छा आता है जी। तो ये मैंने बैटर मेरा तैयार हो गया था, मैंने एक बाउल में निकाल लिया। इसे अब हम ठंडा करने के लिए छोड़ते हैं। साथ ही इसे मैं ब्रेड लेती हूँ, उसके मैं स्लाइसेस ठीक कर लूँ, मतलब उनके किनारे जो है उसके रिमूव कर लूँ जी। तो ये मैंने ब्रेड ले लिया, इनके स्लाइसेस, तो साथ ही मैं इसके किनारे रिमूव करती हूँ। जैसे कि आपको पता है कि मेरे पास कोई कैमरा मैन नहीं है, तो अब मैं मोबाइल साइड पर रख के इसके किनारे रिमूव कर लूँ, फिर मैं आपको बताती हूँ नेक्स्ट क्या करना है जी। तो ये मैंने एक कप लिया, आप सोच रहे होंगे पता नहीं क्यों लिया है कप, इसका क्या काम। तो मैंने इससे इसकी ना शेप बनानी है, ब्रेड की शेप बनाते हैं, क्योंकि मेरे पास सांचा नहीं है तो इसकी मैं अच्छी तरह शेप बना लेती हूँ। तो ये देखें, उसके ऊपर रखना है, दबाना है ज़ोर से दबा के फिर आपने उठा लेना है। ये देखें इसकी शेप बन गई है। ये देखें इसी तरह आपने बाकी भी शेप्स बनानी है और हम
ये मैं जो बैटर बनाया था वो ऐड करते हैं। तो ये मेरी एक बहुत अच्छी शेव बन गई है। आप भी अगर आपके पास कोई सांचा नहीं है तो आप एक कप यूज़ कर सकते हैं या कोई गिलास देख सकते हैं। अगर आपके पास बड़ी स्लाइसेस हैं तो आप किसी गिलास के साथ बना सकते हैं इसकी शेप। मेरे पास छोटे पीस थे तो मैंने कप भी किया, उसके साथ मैंने एक अच्छी सी शेप बना ली है जी। तो ये देखें, मैंने सारी पैटीज़ के ऊपर ये बैटर लगा लिया था। अब मैं इसके ऊपर चीज़ लगाती हूँ। तो चीज़ मैंने एक पे लगा ली है से लगा के, दूसरे वाला जो पीस है वो हमने इसके ऊपर ऐसे लगा देना है। ठीक है, ऐसे ही हमने दूसरी भी तैयार कर लेनी है। दूसरी तैयार करके उसके साथ भी हम ऐसे ही करेंगे। तो बाद में हम बनाएंगे ब्रेड क्रम्स, जो इसके साइडें जो उतरी हैं हमने उतारी थी, रिमूव की थी, उनकी हम ब्रेड क्रम्स बनाते हैं। तो इसी तरह मैं इसके ऊपर दूसरी पैटी भी ऐड कर देती हूँ। ये देखें जी, तो अब मैं इसका बनाऊंगी ब्रेड क्रम्स। तो ब्रेड क्रम्स के लिए मैंने जो साइड रिमूव की थी वो ऐड कर दी है। एक मैं ब्लेंडर लूँगी, इसमें डाल के मैं इसे क्रश करती हूँ, मतलब इसे ब्लेंड कर लेते हैं ताकि इसका ब्रेड क्रम्स बने। आप ना ब्रेड क्रम्स बनाने के लिए इनको फ्राई भी कर सकते हैं, मतलब रोस्ट कर सकते हैं थोड़ा पैन में डाल के, बट मैंने इनको रोस्ट नहीं किया, ऐसे ही मैं इसका ब्रेड क्रम्स बना लूँगी। तो अब मैं ये देखें ब्रेड क्रम्स बन गए। तो आप बजाय कि मार्केट से मंगवाएं आप घर में फ्रेश भी बना सकते हैं। तो मैंने ये ब्रेड क्रम्स बना के, अब आप इसके थोड़ी देर के लिए मैं इसे पैन में डाल के रोस्ट भी कर लूँगी, तो ये बड़ा प्यारा ना क्रिस्पी टाइप हो जाएगा। बट मेरे पास अब टाइम नहीं है इसे रोस्ट करने का, तो मैं ऐसे ही यूज़ करूँगी, तो खुद ही जाकर अंदर क्रिस्पी हो जाएगा जब पैटीज के ऊपर लगेगा। तो आप ऐसे कीजिएगा कि पहले इसे थोड़ा रोस्ट कर लिया करें जब आप इसे ब्रेड क्रम्स बनाएं। अगर नहीं आपके पास टाइम होता तो आप वैसे भी ब्रेड क्रम्स बना सकते हैं, कोई मसला नहीं है, बन जाएगा जी। तो अब मैं इसे फ्राई करने लगी हूँ। तो फ्राई करने के लिए मैंने ब्रेड क्रम्स लिया जो मैंने घर बनाई है, साथ मैंने एक एग लिया क्योंकि मेरे पास तो सिर्फ तीन है पैटीज, मैंने तीन पैटीज बनानी है, ज़्यादा नहीं बनानी। तो इसके लिए मैंने ये एक अंडा लिया है। तो अब मैं इसे फ्राई करने लगी हूँ। पहले हम इसे अंडे में डिप करेंगे अच्छी तरह करके, बाद में हम इसे ब्रेड क्रम्स की कोटिंग करेंगे। ये देखें, आपने अच्छी तरह इसकी कोटिंग कर लेनी है और आपने लो फ्लेम पे इसे फ्राई करना है क्योंकि ब्रेड क्रम्स बहुत जल्दी जल जाता है। तो इसी तरह मैं दूसरी पैटीज से ऐड करती हूँ, तो फाइनल लुक आपको दिखाती हूँ जी। तो हम इसकी सब साइड चेंज करेंगे। देखिए, आपने आराम से पर के साइड चेंज करें ताकि ये टूट ना जाए, ख़राब ना हो जाए। इसी तरह मैं इसकी दूसरी साइड भी चेंज करती है। तो इसी तरह की मैं दूसरी साइड भी इसकी गोल्डन करूँगी और बाहर निकाल लूँगी फ्राई करके। तो ये है इसकी फाइनल लुक, माशाल्लाह तैयार हो गई है। तो अब मैं आपको एक काट के भी दिखाती हूँ। तो ये देखिए, मैंने इसे तोड़ के भी दिखा दिया है। इसकी चीज़ देखिए जो मैंने रात को बनाई थी, कितना अच्छा रिजल्ट है। तो अगर मेरी आज की आपको रेसिपी पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दे, बेल आइकन प्रेस कर दे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय, टेक केयर।